सीधा है कि इधर है ये नहीं पता, पता नहीं इधर है कुंभा हाय गाइस। सो हम जा रहे हैं पुंबा कॉलेज के लिए और ये सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, उसमें हम एंटर हो गए हैं। और हम एंटर होते ही आप यहाँ पे देखिए जूलॉजी बॉटनी मतलब जितने भी होते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री ये सब डिपार्टमेंट यहाँ पे है अलग अलग। और हमें पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये पूरा एक अंदर पूरा कॉलेज का वो बना हुआ है जिसमें छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक का सबका कॉलेज यहाँ पे है। तो ये मैं पूरा आपको टूर दे रही हूँ कि अंदर जाके सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या है। तो इस तरह से पूरा और इसका एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरे पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं और सारे G20 का ही ये पोस्टर लगे हुए हैं और हर जगह आप देखेंगे तो आपको सिर्फ वही वेलकम के लिए सब लगा हुआ है। कॉलेज वाइब यहाँ पे आ रही है और ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे बच्चों की, क्योंकि यहाँ पे सबको हाई परसेंटाइल चाहिए होते हैं। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये बरगद का पेड़ तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं ढूंढ रहे हैं, हमको कहीं पे भी नहीं मिला और सिर्फ यही चल रहा है। सो गाइस हम वापस से अभी जा रहे हैं दूसरी तरफ, क्योंकि अभी हमें जो रास्ता है वो गलत गाइड कर दिया है किसी ने। सो अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं पुंबा कॉलेज के लिए। सो बने रहिए मेरे साथ। रॉन्ग बताते हैं नहीं तो ऐसे करूंगी आगे। लास्ट टाइम तो पता नहीं। ढूंढने में काफी टाइम लगता है। वही तो, ये देख कैंटीन भी है। कैंटीन भी है यहाँ। We have to turn right. Yes. Look. लिखा ना उधर पुंबा। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So मैं अभी आप लोगों के लिए लाई हूँ पुंबा कॉलेज और इसका पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस। MBA के लिए अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं 99.8 समथिंग तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे जाके पता करती हूँ कैसी कॉलेज है, कैसा क्या है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी होता है क्या, देर इज अदर वे भी है क्या हमारे जैसे लोगों के लिए कि उनका हो सकता है। सो अभी चलते हैं और देखते हैं और पूरा इंक्वायरी करते हैं MBA के लिए। सो गाइज मैंने यहाँ कॉलेज का पता कर लिया है और मैं गई अंदर, मैंने पूछा कि ये पुंबा में मेरा एडमिशन कैसे होगा। आई गोट 181% बट सी सेड दैट आई थिंक यूड वॉन्ट बी एबल टू गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज बिकॉज 99% जिनके आते हैं वही लोग ले पाते हैं। लास्ट ईयर 99% कट ऑफ गया था और यहाँ की फ़ीस वो बता रहे हैं 83,000 फॉर रनिंग ईयर और नेक्स्ट ईयर के लिए वो चेंज होता रहेगा और कैटेगरी वाइज भी ये जो फीस है वो चेंज होती रहेगी।
सो गाइज जिसके भी 99% आए हैं और जो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं तो उनके लिए वर्थ है। और मैंने पूछा उनको कि मैनेजमेंट कोटा से मेरा कुछ हो सकता है क्या, बिकॉज मेरे इतने परसेंटाइल नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा से नहीं होता है। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो कैप राउंड होते हैं 1 और 2, तो उन दोनों से आपका हो पाएगा। तो कैप राउंड से उन्होंने बोला है कि पहले में आपका नहीं हुआ तो दूसरे राउंड के लिए भी आप जा सकते हैं, बट आपका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 81% में नहीं मिलेगा आपको। सो मैं यहाँ के लिए तो ऑफ हो चुकी हूँ। मैंने सोचा था एक बार ट्राई करते हैं, मुझे पता था नहीं होगा, वो तो मुझे भी पता था, बट मैंने सोचा कि एक बार हो जाए तो मैं एक बार देख लेती हूँ। बट मुझे यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिली। अभी क्या कर सकते हो, उतने परसेंटाइल नहीं आए। सो गाइज अगर आपने ये जाके चेकआउट नहीं किया है, अगर कोई लोग बाहर से हैं, पुणे से नहीं हैं और जिनको यहाँ पे आने का नहीं जम रहा है, तो वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूले। और उसके अलावा मैं और सारे वीडियोज़ है कॉलेज के MBA के लिए, बिकॉज आई ऑल्सो वन डू एम बी ए, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे कॉलेज में आ रही हूँ। मेरा ये चैनल है व्लॉगिंग का चैनल है, बट मैं कर रही हूँ इस वजह से मैं आ रही हूँ अभी। और मैं 2-3 कॉलेज में जाने वाली हूँ, जो मुझे लीड मिली है कि अच्छे कॉलेजेस है पुणे में। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, और शेयर कीजिए मेरा वीडियो जितना हो सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय। इस कॉलेज में भीड़ बहुत ही कम थी, पर यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लास चल रही है MBA सेकेंड ईयर वालों की, और बहुत ही पंक्चुअल और बहुत ही शांत तरीके से चल रही थी। और यहाँ का बाहर का देखिए, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है यहाँ पे। और ये हम यहाँ से निकल गए हैं वापस से, और रास्ते में देखिए कितनी भीड़ हो रखी है। मतलब ज़्यादा बड़े बड़े लोग यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि जैसे जो सरकारी लोग रहते होंगे वो भी अपने बच्चों का यहीं पे एडमिशन करवाते होंगे। तो और ये जो 7 फ्लैग्स है यहाँ पे, ये देखिए G20 का यहाँ पे लगा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ को अट्रैक्ट करता है। और बहुत ही ये एक अंदर अलग ही फीलिंग आ रही है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड।